ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद रावण में कैसे आए राक्षस वाले गुण। रामायण का जब भी जिक्र होता है तो उसमें भगवान के अलावा सबसे ज्यादा याद रावण को किया जाता है। रावण महाज्ञानी व्यक्ति था, वह सत्व, रज और तम तीनों ही गुणों में विद्वान थे। लंकापति रावण के अंदर तमोगुण सबसे अधिक और सत्व गुण सबसे कम था। तमोगुण का मतलब उन्हें सत्य असत्य का कुछ पता नहीं था। रावण पुलस्त्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि रावण का जन्म तीन श्राप के कारण हुआ था। इनमें पहला संकादिक बाल ब्राह्मणों द्वारा दिया गया श्राप था। रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। बाल ब्राह्मण वैकुंठ जाने के लिए जब प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो जय विजय ने उन्हें रोक दिया था। इससे नाराज होकर बाल ब्राह्मणों ने दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दिया था। नारद के श्राप के कारण भी राम और रावण का जन्म होना तय था। भोजन में मांस होने की खबर के मिलने के बाद प्रताप भानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दिया था और यही प्रताप भानु रावण बना। आखिर क्यों, समुद्र में क्यों डूब गया राम सेतु? श्री रामचंद्र ने लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। उनकी वानर सेना ने समुद्र पर पत्थर फेंक कर ये सेतु बनाया था, लेकिन बाद में ये पुल समुद्र के पानी में क्यों डूब गया? राम जी ने नल और नील नाम के दो वानरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये पुल पत्थरों से बनाया था जो पानी पर तैरते थे। राम सेतु का निर्माण ज्वालामुखी झांवे से किया गया था क्योंकि ये पत्थर पानी पर तैरता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये समुद्र के कुछ फीट पानी में डूब गया? मेरे राम जी ने धनुष कोडी से श्रीलंका तक पुल का निर्माण किया था। इस पुल को नोला नाम के बंदर के देखरेख में सिर्फ 5 दिन में तैयार किया गया था। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में ये कहा गया है कि इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। 1993 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सैटेलाइट से ली गई तस्वीर जारी की थी, जिससे कि भारत में धनुष कोडी और श्रीलंका में पंबन के बीच 48 किलोमीटर चौड़ा भूमि क्षेत्र समुद्र में कुछ फीट गहरा दिखाई दिया था। राम सेतु के पत्थर 7000 साल पुराने हैं और जिस रेत में ये पत्थर रखे गए हैं वो 4000 साल पुराना है। चट्टानों और रेत की उम्र में ये असमानता साबित करती है कि समुद्र के नीचे की चट्टानें प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हैं। और 1480 में एक विनाशकारी चक्रवात में पुल आशंक रूप से ढह गया। कंबन रामायण के अनुसार तब विभीषण ने राम से पुल को नष्ट करने का अनुरोध किया। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और राम सेतु को समुद्र में कुछ फीट गहराई तक मार गिराया। अर्जुन के तर्किश में क्यों खत्म नहीं होते थे तीर? अर्जुन महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक है। मान्यता है कि अर्जुन के पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। एक ऐसी ही मान्यता थी कि अर्जुन के तर्कश से तीर कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अर्जुन को ये तर्कश दानव राजा मयासुर ने दिया था। मयासुर ने अर्जुन को ये तर्कश तब दिया था जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर खांडव वन गए थे। राज्य बंटवारे के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक जंगल दिया था। खांडव पहुंचकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कि इस जंगल को हम राजधानी कैसे बनाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण इसके लिए विश्वकर्मा का आहतवान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं, हे प्रभु, इस खांडव प्रस्थ में मयासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडहर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने को कहते हैं। इसके बाद मयासुर वहाँ पहुँचता है और उसी दौरान अर्जुन को ये तर्कश देता है। मयासुर ने ये बताया कि ये तर्कश अग्निदेव का था। देश विदेश में भगवान राम और माता सीता के लाखों मंदिर मौजूद हैं, जिनकी अपनी अपनी खासियत है। अयोध्या के बारे में हम सभी जानते हैं, मगर आज हम आपको माता सीता के जन्मभूमि जनकपुर मंदिर दिखा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म नेपाल स्थित जनकपुर में हुआ था। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला और विदेह नगरी था, हालांकि अब इस जगह की पहचान जनकपुर नाम से है। नेपाल सरकार की टूरिज्म वेबसाइट पर जनकपुर को ही माता सीता का जन्म स्थल कहा गया है। नेपाल के लोग माता सीता को नेपाल की बेटी मानते हैं। मान्यता है कि जनकपुर ही वो जगह है जहां माता सीता ने भगवान राम संग विवाह से पहले अपना ज्यादातर समय व्यतीत किया था। जनकपुर मंदिर करीब 4,860 वर्ग फीट में फैला हुआ है और काफी भव्य है। मंदिर परिसर के नजदीक 115 सरोवर है जो कि मंदिर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। मंदिर में माता सीता की प्राचीन मूर्ति है जो कि 1657 के आसपास की है। ये मंदिर काठमांडू के सड़क मार्ग से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। रामलला की पुरानी मूर्ति कहाँ रखी गई है?
अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के बाल स्वरूप वाली मूर्ति की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। 51 इंच ऊंची नई मूर्ति को बालक राम नाम दिया गया। मंदिर तो काफी खूबसूरत है ही, मगर नई मूर्ति भी काफी खूबसूरत है। ऐसा जैसे स्वयं हमारे श्री राम जी उसके अंदर बसे हों। हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिरकार रामलला की पुरानी ऐतिहासिक मूर्ति कहाँ है। आपको बता दें कि पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति के ठीक सामने रखा गया है। रामलला की ये पुरानी मूर्ति कई वर्षों से अस्थायी टेंट में विराजमान थी। पुरानी मूर्ति की ऊंचाई 5 से 6 इंच है। अब सवाल ये है कि पुरानी मूर्ति थी तो नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के मुताबिक पुरानी मूर्ति को 25 से 30 फीट की दूरी से नहीं देखा जा सकता था। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट ने फैसला लिया कि रामलला की नई मूर्ति को मंदिर में स्थापित करेंगे और पुरानी मूर्ति को ठीक सामने रखा जाएगा। नई मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है तो पुरानी मूर्ति धातु से बनी हुई है। दोस्तों, अयोध्या सूर्य नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है। अयोध्या हमारे राम जी का जन्म स्थल है। चाहे कोई माने या ना माने, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम सच्चाई जानते हैं और हम मानते हैं। कितने बजे उठेंगे और कितने बजे सोएंगे हमारे रामलला। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब रामलला के दर्शन करने आम भक्त भी जा सकते हैं। मंदिर में रामलला को 5 साल के बालक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मंदिर के पुजारी अरुण दीक्षित ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, रामलला को अब बालक राम नाम से जाना जाएगा क्योंकि वो 5 साल के बच्चे के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मूर्ति के आभूषणों को लखनऊ के अंकुर आनंद के हर्ष हायलम श्याम लाल ज्वेलर्स ने तैयार किया है और वस्त्रों को दिल्ली के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार किया है। आम भक्तों को दर्शन देने के बाद बाल राम की दिन भर की दिनचर्या निर्धारित की गई है, जिसमें उनके उठने से लेकर सोने तक का समय है। बाल राम की रोजाना सुबह 6 बजे मंगल आरती होगी। ये दिन की पहली आरती होती है। मंगला आरती से सोए हुए भगवान को निद्रा से जगाया जाता है। सुबह 7 बजे बालक राम की श्रृंगार आरती होगी, जिसमें बाल भोग लगाया जाएगा। दोपहर 12 बजे राजभोग और मध्याह्न आरती होगी, इसमें भगवान को भोग लगाया जाता है। रात 8 बजे बालक राम की संध्या आरती होगी। दिन की आखिरी आरती रात 10 बजे होगी, जिसे शयन आरती कहते हैं। इस आरती के द्वारा भगवान को सुलाया जाता है।